तो दोस्तों आज 24 मई 2022 मंगलवार का दिन हो चुका था। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग बोर्ड नियुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें मुख्य सचिव उषा शर्मा ने विभिन्न भर्तियों से संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट में घोषित भर्तियों की भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने कहा है कि इन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग, कार्मिक विभाग, RPSC तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर और चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में पिछले वर्ष के छपे गए प्रश्न पत्रों के वितरण को लेकर नाराजगी व्यक्त की। रीट 2022 के ऑनलाइन आवेदन में सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थियों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है। ये जानकारी प्रदेश के अलग अलग जिलों से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थित रीट कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने दी। आप बता दें मिली जानकारी के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा चुके हैं उनके चालान नहीं निकल रहे। ऐसे में 19 मई अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 मई किया गया, लेकिन बीच में शनिवार और रविवार का अवकाश होने की वजह से अभ्यर्थियों को चालान जमा कराने में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। UGC नेट की आगामी परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 30 मई 2022 तक और बढ़ा दी गई है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 30 मई घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का कटा हुआ पैसा उनके रिटायरमेंट पर ब्याज सहित लौटाया जाएगा। NPS कटौती का पैसा PFRDA में जमा किया हुआ है। जब हमने ओल्ड पेंशन लागू की तब विधानसभा में विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया था कि कर्मचारियों का PFRDA में जमा पैसा वापस ले पाएंगे या नहीं। RPSC द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में हॉस्पिटल केयर टेकर के कुल 55 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन किया जा सकता है। नए शिक्षा सत्र से प्रदेश के 563 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के महात्मा गांधी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के करीब 97 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए इसी महीने के पहले सप्ताह 1 से 8 मई तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2022-23 की बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न जारी कर दिया है। पैटर्न से साफ स्पष्ट हो गया है कि बोर्ड परीक्षाओं में वही छात्र आगे रहेंगे जो रटने की बजाय समझकर पढ़ाई करेंगे। इस बार वैकल्पिक सवालों को 50% से घटाकर 20% तक कर दिया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की मेजबानी में प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा PTT के लिए आवेदन का दौर थम गया है। द्विवर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध करीब 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 544,348 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के 379,522 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,64,823 आवेदन किए गए। ऐसे में सीटों में से 4 आवेदन आए, जिससे प्रत्येक 4 में से 1 विद्यार्थी को बीएड कॉलेज में प्रवेश मिल पाएगा। उधर पिछले वर्ष से 3450 कम विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना की प्रक्रिया को लागू कर दिया है। आपको बता दें 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 2022 को देय वेतन से समाप्त कर दिया। वहीं 1 अप्रैल 2022 से NPS के अंतर्गत होने वाले कार्मिकों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर 2,000 से लेकर 10,000 रुपये अधिक होगी। कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को सेवानिवृत्ति के समय GPF पर दे ब्याज के साथ पेंशनर मेडिकल फंड की राशि समायोजित कर शेष राशि एक मुश्त लौटाई जाएगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आशार्थियों को विभाग आवंटन हो जाने के उपरांत नियमानुसार 15 दिवस में इंटर्नशिप के लिए कार्य ग्रहण कर ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी SSO ID से अपलोड करनी होगी।
ज्वाइन नहीं करने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों की बोर्ड और स्थानीय परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षाएं 25 मई से शुरू हो गई हैं। इस बार गर्म की छुट्टियों में आयोजित होने वाली ओपन बोर्ड की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 25 से शुरू होकर 26 जून तक चलेंगी। प्रदेश के करीब 1400 बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी पीटीटी 2022 का आयोजन 3 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए 1580 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गत वर्ष की तुलना में इस बार करीब 700 परीक्षा केंद्र कम है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अधिक परीक्षा केंद्र बनाने पड़े थे। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से पूर्व सैनिकों और विशेष योगजन को न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट दी जाएगी। आपको बता दें आरपीएससी के सचिव ने बताया कि आयोग की ओर से विभिन्न पदों के लिए जारी विज्ञापनों में संबंधित सेवानियमों के मुताबिक न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने ड्यूटी के दौरान लापता होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि एनपीएस के तहत ऐसे कर्मचारियों के परिजनों को तुरंत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में 3-4 वर्ष से स्थानांतरण की उम्मीद में शिक्षकों के बीच हलचल मची हुई थी, जिस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। दूरस्थ जिलों में कार्यरत शिक्षक अपने गृह जिलों में आने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के पास लगभग 85,000 आवेदन आए थे। अब लेवल 1 की नई नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कर रिक्त पदों को भरने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में इन शिक्षकों की उम्मीद टूट गई है जो लेवल 1 के पदों पर दूसरे जिलों में कार्यरत हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाले रीट 2022 के लिए आवेदन नहीं कर सके। युवाओं ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भवन के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने रीट 2022 के लिए चालान जनरेट करने की तिथि को बढ़ाने की मांग की। प्रदेश में 12,000 स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद खाली चल रहे, जिसके कारण बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसलिए पुस्तकालय संघ ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2022 पर स्कूल में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक स्कूलों में योग अभ्यास करेंगे। विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए पाबंद कर दिया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नेशनल डिफेंस एकेडमी अर्थात NDA और NA के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए 400 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 7 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज 24 मई 2022 से जुड़ी शिक्षा विभाग कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। BSTC PGT रीट पुलिस पटवार स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज के इस वीडियो में साथ ही नमस्कार।